एक बार एक राजा जंगल में गए, और जब जंगल में पहुंचे तो उनको बहुत सारे वहाँ पे पैरट्स दिखे, तोता जिसको बोलते हैं, ग्रीन वाले। उसमें से एक तोता था जो कि इतना अच्छा बोल रहा था, और प्लस कुछ आदमी की तरह भी वो बोल रहा था। और राजा जो ही उसको पुकारे, वो सबसे पहले आया और राजा से एक्चुअली बात करने लगा। राजा तो इतना सरप्राइज हो गया कि हालांकि ऐसा चीज़ तो हमने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं आज तक। और अपने लोगों को बोला कि इस तोता को अपने घर ले चलो। वो भी तोता खुशी खुशी आ गया। घर आया तोता, राजमहल में खूब बड़ा सा आयोजन किया गया उसके लिए, सबको दिखाया गया। तोता एकदम आदमी की तरह बोलता था। फिर उसको एक मतलब उसका डायमंड जड़ा हुआ, उसके लिए मतलब एकदम सोने का केस लाया गया जिसमें वो तोता रहेगा। अब तोता उसी में अपना रहता था, और जो बोले तो बात करता था, और जैसा लोग बोले वैसे से करता था। फिर 10 दिन बाद राजा जा रहे थे फिर से शिकार पे। राजा बोले उस तोता से कि तुमको कुछ कहना है अपने दोस्त यार जो तुम्हारे हैं वहाँ पे जंगल में, उनके उनके लिए कुछ कहना है। बोले कि हाँ बिल्कुल बता देना कि हम ऐसे हैं, खूब बढ़िया से खाना पीना मिल रहा है, और एक हम केज में रहते हैं। हाँ लेकिन मेरे को सब खाना पीना बहुत बढ़िया मिलता है, सोने का केज है वो तो, एकदम डायमंड डायमंड जड़ा हुआ है चारों तरफ। हाँ ये बता देना हमारे दोस्तों को। गए राजा और वहीं पे पहुँचे तो वहाँ पे सारे तोता फिर से पैरट्स बैठे हुए थे। तो राजा ने बोला कि आप लोगों के लिए एक वो है, मैसेज है, जो कि आपका जो दोस्त था तोता उसने भेजा है। और मैसेज ये भेजा है कि उसने बोला है कि हम तोता हैं जो हैं, एक बढ़िया डायमंड जड़ा हुआ सुनहले पिंजड़े में मैं रहता हूँ, और बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है, और लोग मेरे से बहुत खुश रहते हैं, और मैंने बड़े आकर्षित रहते हैं, ऐसे ऐसे मैं काम करता हूँ और बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। तो जब ही ये सुने सब, तो सारे तोता वहीं पे जहीं पे थे वहीं से बड़ाम 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 गिर पड़े, सारे तोता एकदम नीचे गिर पड़े। राजा बहुत परेशान, देखे कि ये चक्कर क्या है, ये क्या हुआ। जल्दी से घर आए, तोता को बताया कि तुम्हारे सारे दोस्त यार को मैं ये चीज़ बताया, और वो तो सारे एकदम वहीं पे गिर पड़े, मर गए, मत जैसे मरे पड़ गए एकदम वहीं पे। ये क्या हुआ मेरे को एकदम समझ में नहीं आया। ये सुनते से ही जो तोता था पिजड़ा वाला, वो भी वहीं पे एकदम ऐसे मरा पड़ा, एकदम एकदम मरा, ऐसे गिर गया वहीं पे। वो भी एकदम जल्दी जल्दी डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर आया, जल्दी से पिंजरा में से उसको निकाल के बाहर रखा गया। ऐसे ही मरा पड़ा था, जो ही बाहर रखा गया तोता अपने पंख फड़फड़ाया और उड़ गया और दूर जाके बैठा। राजा बोला कि ये तो क्या, ये चक्कर क्या है। तो बोला कि बस हमने जवाब सुन लिया अपने दोस्तों का कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्वतंत्रता जो है तभी मिलेगी। तो उन लोगों ने बताया कि तुम एकदम मुर्दा की तरह हो जाओ, फिर तुमको वो मिल जाएगा स्वतंत्रता। और फिर आराम से अपना उड़ के चल दिया। बोला कि स्वतंत्रता के आगे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए अपनी स्वतंत्रता फ्रीडम को लूज किया जाए। यही बोल के उड़ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितना ज़िंदगी में तड़फड़ाओगे, जितना अपना एबिलिटीज दिखाओगे, जितनी अपनी कैपेबिलिटीज़ का हुनर दिखाओगे, जितने हुनर दिखाओगे, स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब मरे जैसा पड़ जाओ, उस मरे जैसे तोते की तरह। कोई मर जाता है तो उसको आदमी पूछता नहीं है। अब वही आदमी स्वतंत्र हो पाएगा जो कि ऐसे मर जाए, ठीक है, ऐसे मरा पड़ जाए। जितना ज़्यादा आप होनहारी दिखाओगे, जितना ज़्यादा कैपेबिलिटी दिखाओगे, जितना अपने में छुपा हुआ हुनर को दिखाते रहोगे, तब तक आप उसी सोने के डायमंड जड़े पिंजड़े में रहोगे और सब कुछ दिखाते रहोगे।